Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution and we are going to start 11 science tutorials about all exams like NEET, JEE, CET and even boards also. So I am going to start biology here. तो हम यहाँ पे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा द लिविंग वर्ल्ड. ओके, तो सबको पता है लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, राइट? तो ये बहुत बेसिक सी बात है और बेसिक सा चैप्टर है. आपको लगेगा ये क्या चैप्टर है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम किन चीज़ों को लिविंग बोल सकते हैं, किन चीज़ों को नॉन लिविंग बोल सकते हैं. तो चैप्टर ही स्टार्ट होता है क्वेश्चन से, व्हाट इज लिविंग. आप सबको पता है कि प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, राइट? प्लांट्स भी लिविंग है, तो लेकिन हमने प्लांट को लिविंग बोला क्यों है? दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम देयर प्लेस. तो हमने प्लांट को लिविंग बोला क्यों है, ठीक है? तो उसके कुछ क्राइटेरिया इस चैप्टर में बताए गए हैं कि कुछ पर्टिकुलर फीचर्स है जो हमें डिफाइन करेंगे कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, ठीक है? तो हम वही देखेंगे. तो बेसिकली लिविंग थिंग्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम हायर एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये वर्ड्स आपको बार बार आएंगे 11 12th में. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लिविंग कहलाते हैं. तो कुछ फीचर्स हैं, ठीक है? तो पर्टिकुलरली 5 फीचर्स बुक में दिए गए हैं. फर्स्ट वन, ग्रोथ. सेकेंड वन, रिप्रोडक्शन. थर्ड वन, मेटाबॉलिज्म. फोर्थ वन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट वन ये है कॉन्शियसनेस. ओके, ये अगर फीचर्स हमें जिस भी ऑर्गेनिज्म में दिखेगा तो हम उनसे बोलेंगे लिविंग. अब ये क्या है, ठीक है? अब बुक में, एनसीईआरटी की बुक में 2 टाइप्स के कंसेप्ट बताए गए हैं, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स. क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? एंड डिफाइनिंग फीचर. अब इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है? अब ये जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये हुए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और ये जो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये हुए डिफाइनिंग फीचर. अब हमें डिफरेंस देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मतलब क्या है और डिफाइनिंग फीचर मतलब क्या है, ठीक है? अब इसको हम बाद में आगे देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ. अब ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब है, मतलब सिंपली इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं. ये एक पर्टिकुलर फीचर नहीं कहा जा सकता कि मतलब ये फीचर अगर रहा तो हम उसे लिविंग बोल सकते हैं. कभी कभी उसमें एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है, देयर कैन बी एक्सेप्शंस. ओके, हाँ, तो ग्रोथ हमें पता है कि एक बेबी ग्रो होता है, बाद में अडल्ट बनता है, बाद में ओल्ड होता है, ये सारी क्या होती है, ग्रोथ होती है. प्लांट, छोटा प्लांट बाद में ग्रो होकर बड़ा प्लांट बनता है, दैट इज़ ग्रोथ. ये हमें पता है. तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास एंड नंबर. ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन, मतलब स्मॉल साइज से ग्रो होके एक पर्टिकुलर साइज तक बढ़ना, दैट इज़ ग्रोथ. हम एक कॉमनली इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक इनकी साइज बढ़ जाती है, ठीक है? उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ. मास एंड नंबर, उनके नंबर्स में भी
ग्रोथ होती है, ठीक है। लाइक हमारा पॉपुलेशन क्या है, हम ह्यूमन बींग्स क्या है, नंबर्स में भी बढ़ रहे हैं और हमारी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। तो ये हुआ ग्रोथ, ये है इसका क्या कहते हैं डेफिनेशन, ठीक है। अब कंसिडर कीजिए, आपने, हाँ तो सभी ने नहीं किया है अभी तक, जो छुट्टियों में बहुत सारे जगह ने क्या किया है, बुक्स को हाथ में लगाया। अब हम देखेंगे कि आपने, अब बहुत दिनों बाद आज आपकी एक कोई बुक रैक में से, शेल्फ में से निकाली है और देखा कि उस पर बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका मास इंक्रीज हो गया, क्या हो गया है, उसका मास इंक्रीज हो गया है। तो क्या हम उसे बुक की ग्रोथ बोलेंगे और या उस बुक को लिविंग बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन वो बुक लिविंग नहीं है, लेकिन क्या है, उसका मास इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब हम उसे ग्रोथ भी बोल सकते हैं। क्या है मास, ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है कि उसका मास भी इंक्रीज होता है। जैसे कि बहुत से पहाड़ होते हैं, सॉइल माउंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उनकी साइज बढ़ती है एक्सटर्नल अकुमुलेशन की वजह से। एक्सटर्नल उस पर कुछ ऐड होते रहती है, मिट्टी या कुछ है, तो उससे क्या होता है, उनकी साइज़ बढ़ते जाती है। तो उसे भी हम ग्रोथ कहते हैं, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में ही है कि मास भी अगर इंक्रीज रहा तो उसे भी हम ग्रोथ कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है, लिविंग है, ये हम नहीं कह सकते, इसीलिए उसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स में भी हमें ग्रोथ दिखाई देती है, एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या है डिफरेंस, क्या है नॉन लिविंग में और लिविंग में, कि एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रोथ कहाँ पे होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में, और जो हमारे लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, इंटरनल ग्रोथ। क्या होती है, इंटरनल ग्रोथ, मतलब जो लिविंग थिंग्स है उनमें जो ग्रोथ होगी वो इंटरनली होगी। अब ये ग्रोथ कैसे होती है लिविंग थिंग्स में, इंटरनल ग्रोथ है, मोस्टली बाय सेल डिवीजन। क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब मैंने अभी कहा कि मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है, ये वर्ड बार बार आएगा, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। क्या होता है, देखो सेल डिवीजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, और यूनिसेलुलर में भी होते हैं। मतलब ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से, एक सेल से लेके दो सेल बनना, चार सेल बनना, ये क्या होता है, सेल डिवाइड होके मल्टीपल सेल्स बनेंगे और फिर क्या होगा, ग्रोथ होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, सिंगल सेल्ड एनिमल, सिंगल सेल, एक सेल है उसे हम क्या कहते हैं, एक सेल को ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं, दोज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब दोनों में क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें आगे भी कंसीडर करना है, ठीक है, ये ज़रा देखो, इसीलिए ये इंटरनल ग्रोथ है, ठीक है। अब एनिमल्स में और प्लांट में ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स की ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है, उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। और प्लांट की क्या है, उनके लाइफ टाइम विथ देयर लाइफ ड्यूरेशन क्या होता है, उनके सेल डिवाइड होते रहते हैं और उनकी ग्रोथ होती रहती है। एनिमल्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ पे एनिमल्स में ग्रोथ होती है। हमारी हाइट कब तक बढ़ती है, एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है, उसके बाद में हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। ये क्या होती है, इनकी ग्रोथ फॉर थ्रू आउट देयर लाइफ,
ये डिफरेंस है प्लांट की ग्रोथ में एंड एनिमल्स की ग्रोथ में। तो इसका मतलब ये है क्या कि एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद यहाँ पे सेल डिवीजन होना बंद हो जाएगा एनिमल्स में? नहीं, सेल डिवीजन होना बंद नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ टिश्यू रीजनरेट करने के लिए, कुछ सेल्स को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे सेल डिवीजन होती रहती है। किस लिए होती है? रिप्लेसमेंट के लिए। कुछ क्या कह सकते हैं, डेड सेल्स है या फिर कुछ टिश्यूज है जो डैमेज हो चुके हैं, तो उसे रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे सेल डिवीजन होके वहाँ पे जो है न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब हाँ, मैंने कहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये हुआ हायर एनिमल्स में क्या है ग्रोथ, क्या है हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का क्या है एक पर्टिकुलर रोल है। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, तो उनमें ग्रोथ कैसे होती है? उनकी कोई हाइट नहीं बढ़ती है, कोई मास नहीं बढ़ता है, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है, हमने अभी देखा। और उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, रिप्रोडक्शन भी, क्योंकि एक सेल से दो सेल डिवाइड होना दिस इज ऑल्सो ग्रोथ। हमने अभी देखा क्या है ग्रोथ, सेल डिवीजन, एक सेल से दो सेल होना दिस इज ऑल्सो ग्रोथ। बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल है वो रिप्रोड्यूस भी कैसे होगी, एक सेल से दो सेल बनेंगे। ठीक है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेल डिवीजन से ही मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रोथ भी उनकी सेल डिवीजन से ही होती है। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली एक लाइन दी गई है कि इन हायर एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है, किन में होता है ये, इन हायर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर हायर एनिमल्स। ओके, जो हायर एनिमल्स है लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो उनमें क्या होता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ग्रोथ अपनी अपनी होती रहेगी, रिप्रोडक्शन अलग होगा, इसलिए क्या है वो दोनों एक दूसरे से अलग है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्या देखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो साइमल्टेनियसली होते रहता है, वो ओवरलैप करते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं, इंक्लूसिव, क्या बोल सकते हैं, इंक्लूसिव। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, इंक्लूसिव। तो हम दोनों को भी ग्रोथ भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी। किस में, पर्टिकुलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो यह हुआ ग्रोथ फैक्टर। क्या है इसमें, यह है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि समटाइम्स नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो बाय इंक्रीजिंग देयर मास एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हमने उसमें क्या देखा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, बाय सेल डिवीजन। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो अब सेल डिवीजन होती है वो खुद को मल्टीप्लाई भी करती है, तो उस इवेंट को हम रिप्रोडक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वो क्या हुए, इंक्लूसिव इवेंट्स हुए। लेकिन इन हायर एनिमल्स वो क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, बोथ रिप्रोडक्शन भी और क्या है, ग्रोथ भी। ठीक है, यहाँ तक, हाँ, ग्रोथ का यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये हुआ ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन, जिसे भी हमने कहा, क्या कहा, कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन। सभी को पता है, सबको साइंस में नाइन्थ टेंथ
में पता चला है कि रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? मल्टीप्लाई, खुद के जैसे ऑर्गेनिज्म तैयार करना। देख सिंपली इन सिंपल लैंग्वेज या फिर सिंपल डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग लाइक देयर ओन, खुद के जैसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना, उसे क्या बोलेंगे हम? रिप्रोडक्शन। तो अब बेसिकली हमें पता है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखते हैं, हमें डेफिनेशन भी पता चल गई कि क्या है, लिविंग थिंग्स आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस देयर सेल्फ, ठीक है, देयर ओन, लाइक देयर ओन, मतलब डेफिनेशन में ऐसे दिया गया है एनसीईआरटी में, लेस और मोर सिमिलर टू देम, क्या है, लेस और मोर सिमिलर टू देम और पैरेंट। इसका मीनिंग क्या है? मतलब हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स दो गैमेट्स, दो डिफरेंट पेरेंट्स के गैमेट्स जो फ्यूज होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उससे क्या होते हैं, उसे नया ऑफस्प्रिंग तैयार होता है, ये हमें पता है। तो उसमें क्या हो सकता है, वेरिएशंस आ सकते हैं, मतलब एक फीमेल गैमेट है और एक मेल गैमेट है, ठीक है। ये हुआ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स, क्या कह सकते हैं हम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो कुछ जैसे हम कहते हैं कि जो बच्चा है माँ के जैसे दिखता है, पापा के जैसे दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं दिखता, यही वहाँ पे कहा गया है, क्योंकि वो कुछ उनके फीचर्स एडॉप्ट करते हैं और इनके जब फ्यूजन होता है तो वो दोनों मिक्स होके नया ऑफस्प्रिंग तैयार होता है, ठीक है। तो ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबको पता है कि बेसिकली क्या होता है कि दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसे रिप्रोडक्शन होता है हायर एनिमल्स में, ठीक है। कुछ लोअर एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तीन, हाँ तीन चार टाइप्स में हो सकता है, लाइक बर्डिंग है, स्पोर प्रोडक्शन है, फ्रैगमेंटेशन है, और इसी को हम रीजनरेशन भी बोल सकते हैं, क्या है, इसी को हम रीजनरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ये लेक्चर के बाद तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रा ईस्ट में क्या होता है, ये सारे जो है रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आपको समझ में आएगा, रिप्रोडक्शन का चैप्टर जब आएगा ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन हमें क्या देखना है, लिविंग थिंग्स के फीचर्स देखने, इसलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में ये समझ लेंगे, ठीक है। हाइड्रा ईस्ट में क्या होता है, ये हाइड्रा है समझो, यहाँ पे एक बर्ड तैयार होगी, वो बर्ड यहाँ से टूट के नीचे गिरेगी और नया हाइड्रा तैयार होगा, लाइक दिस, ठीक है, इसे बोलेंगे बडिंग। हाइड्रा ईस्ट में बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन, मतलब एक स्मॉल स्पोर्स, जैसे फंगसेस में, कुछ फंगसेस में, फंगसेस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, उससे न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं। फ्रेगमेंटेशन लाइक प्लानेरिया, ठीक है, कुछ मॉसेस है उनमें क्या होता है, बॉडी फ्रैगमेंट होती है, कहीं से भी बॉडी टूट के गिर जाए वहाँ से नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, मतलब बॉडी के अगर दो पार्ट किए जाए तो दो ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाते हैं। तो वो समटाइम्स कुछ प्लांट्स में भी होता है और कुछ एनिमल्स में भी होता है, जैसे कि प्लानेरिया है, फ्लैट वर्म, उसके बॉडी के अगर दो टुकड़े किए जाए तो दो अलग अलग वर्म्स तैयार हो सकते हैं, दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन, और उसे ही हम रीजनरेशन भी बोलते हैं, कि फिर से वो रीजनरेट करते हैं खुद को,
तो ये हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हमने देखा कि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो आप बोलोगे कि जैसे ग्रोथ में नॉन लिविंग थिंग में भी हम ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है, इन बाय इंक्रीजिंग मास। तो ये आप बोलोगे ये तो एक डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए। एक्सक्लूसिवली कहाँ पे होता है? लिविंग थिंग में होता है। सही है, ये बस लिविंग थिंग में होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन फिर भी वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों? नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रोड्यूस, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन क्या है, रिप्रोडक्शन समटाइम्स कुछ लिविंग थिंग्स भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लाइक इनफर्टाइल एनिमल्स होते हैं। इनफर्टाइल जो हनी बीज, आपको पता है जो हनी बीज होते हैं उनमें सारे हनी बीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो एक सिंगल क्वीन हनी बी होती है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, और कुछ जो वर्कर बीज होते हैं वो स्टराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब क्या, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कुछ हनी बीज होती है वर्कर हनी बीज, वो क्या होती है, इनफर्टाइल होती है, लाइक म्यूल, उसे हम हिंदी में खच्चर भी कहते हैं। डोंकी और हॉर्स का जब मेट होता है तो क्या तैयार होते हैं, म्यूल्स तैयार होते हैं। वो कैसे होते हैं, स्टराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, वो भी आगे उनकी जनरेशन नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो हाइब्रिड होता है, उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कुछ ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, कुछ ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जिनको थ्रू आउट देयर लाइफ क्या नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ड्यू टू देयर इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि फिर अगर उन्होंने अल्दो दे डू नॉट प्रोड्यूस, लेकिन क्या है, ये लिविंग थिंग्स है, ठीक है, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, एक्सेप्शन है। कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म बाय एनी रीजन क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या होते हैं, लिविंग भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या आता है, ग्रोथ एंड व्हाट, रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। ओके, अब आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, थर्ड फीचर। ये कौन सा फीचर है, मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसको हमने क्या कहा है, डिफाइनिंग फीचर। मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लिविंग है मतलब मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है मतलब लिविंग है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं, डिफाइनिंग फीचर। ओके, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म देन? हमारी बॉडी में कोई भी लिविंग थिंग हो, कोई भी लिविंग सेल हो, कोई भी लिविंग बॉडी हो, वहाँ पे क्या होती है, लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल्स और बायोमोलिक्यूल्स। ओके, बायो मींस लिविंग। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोकेमिकल्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये हमें पता है। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे बोलेंगे हम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब एट ए टाइम, मतलब अभी भी हमारे बॉडी में एट दिस मोमेंट हज़ारों केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, एट ए टाइम एक साथ में हज़ारों केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसी से हमारा बॉडी क्या है, फंक्शन कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। मतलब सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। ओके,
सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। ये क्या हुआ? हमारा मेटाबॉलिज्म। सम टोटल मतलब सबको मिला के कोई भी छोटी से बड़ी रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रही है, वो क्या हो गई? हमारा मेटाबॉलिज्म। लाइक कुछ फूड खाया हमने, कुछ फूड खाया वो डाइजेशन होगा, ठीक है, मतलब फूड का ब्रेकडाउन होगा, केमिकल रिएक्शन है, फूड का ब्रेकडाउन होगा, उसमें से जो मटेरियल है, जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, फैट्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी बायो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे? एक तो ब्रेकडाउन होगा या फिर नए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे में बायो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। कभी ब्रेकडाउन होगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कभी एनर्जी स्टोर करने के लिए वो क्या है, एक नया मॉलिक्यूल खुद को बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। लाइक सिंपली हम क्या कहते हैं, इसका एक सिंपल एग्जांपल ऐसे देखेंगे, जैसे कि कोई बाइक है, ठीक है, हमने उसमें फ्यूल डाला, कोई बाइक है उसमें फ्यूल डाला, तो डायरेक्टली फ्यूल डालने से नहीं चलती है बाइक। क्या होता है? वो ऑयल का कंबशन होता है, वो फ्यूल का कंबशन होता है, उसमें से एनर्जी तैयार होती है, उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, बाइक रन करती है। जो वो कंबशन होता है दैट इज मेटाबॉलिज्म। ऑयल का कंबशन होके जो एनर्जी तैयार होती है वो एक टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन वो लिविंग थिंग में होता नहीं है, ठीक है। लिविंग थिंग के जो मेटाबॉलिज्म है वो बायो मॉलिक्यूल्स से वजह से होती है, और वो हो गया हमारा डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है, ओके। मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। तो प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म होता है क्या? ठीक है, तो प्लांट में मेटाबॉलिज्म होता है, हाँ प्लांट्स में भी मेटाबॉलिज्म होता है, उनके भी बॉडी में जो है केमिकल्स है, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जैसे कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस फुल्ली केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये है हमारा डिफाइनिंग फीचर। तो आगे के जो दो फीचर्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ हिट द लाइक बटन।